जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के आज के कार्यक्रम भव्य मंगल प्रवेश में। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष गुरुवार 29 जून 2023 को कोल्हापुर साहूपुरी में अनेकानेक ग्रामोद्धारक, प्रवचन प्रभावक, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नररत्न सूरीश्वर जी महाराज साहेब के चातुर्मास मंगल प्रवेश के विशेष अंश। श्रद्धालु भक्तों में गुरुवर के प्रवेश हेतु बेहद ही उत्साह एवं भक्ति आनंद देखने को मिला, मानो जैसे भक्तों को स्वयं प्रभु के दर्शन हुए हों। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवेश का कारवां प्रारंभ हुआ, जिसमें विविध प्रकार के बैंड बाजों के मंगलनाद पर परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नररत्न सूरीश्वर जी महाराज साहिब का मंगलमय चातुर्मास प्रवेश हुआ। श्रद्धालु भक्तों ने भक्ति नृत्य करते हुए इस यात्रा में गुरुवर महाराज साहिब की भव्य अगुवानी की। जगह जगह विविध प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भक्ति में सराबोर महिलाएं भी महाराज की अगुवानी में जगह जगह भक्ति करती हुई नजर आईं। कुछ समय पश्चात गुरुवर संघ ने श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर जी में मंगल प्रवेश किया, जिसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान शांतिनाथ के दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मांगलिक सभा का आयोजन हुआ। कुछ समय पश्चात पुनः यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें श्रद्धालु महिलाओं द्वारा गुरुवर के स्वागत में बेहद ही मनभावन नृत्य कला का अवलोकन हुआ, जिससे समस्त वातावरण भक्ति रंग में सराबोर हो गया। तदुपरांत एक बार पुनः पूज्य गुरुवर संघ महाराष्ट्र श्री कोल्हापुर नगरी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ शाहूपुरी की धन्य धरा हीरा भवन में मंगल प्रवेश करते हैं, जहां श्रद्धालुगण गुरुवर के जयकारों से उनकी अगुवानी करते हैं। प्रवेश के उपरांत भव्य मंगल सभा का आयोजन किया गया। और अब वह क्षण था जब उच्चासन पर विराजमान गुरु भगवंत ने श्रद्धालुगणों को मंगल उद्बोधन देते हुए धन्य किया।
अनंत सामर्थ्य के स्वामी सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत प्रभु का लोकोत्तर शासन आत्म कल्याण के लिए अपन को प्राप्त हुआ है। परम करुणा के सागर देवाधिदेव दयालु भगवान अरिहंत परमात्मा ने क्षाई का सम्यक्त्व की स्पर्शना करके समग्र संसार की विचित्रता को समझकर अपने जीवन अपने जैसे भव्य आत्माओं का उत्थान करने के लिए भव्य आत्माओं को संसार की चुंगाल से छुटकारा दिलवाकर शुद्ध आत्मा स्वरूप और शाश्वत ऐसी परम सुखमय अवस्था अपन को दिलाने के लिए भगवान अरिहंत प्रभु ने सभी जीव करु शासन रसि की भावना से वासित होकर उग्र साधना करके पवित्र भावनाओं के बल पर तीर्थंकर नामकर्म निकाचित किया और विशिष्ट आत्म साधना करते करते वितराग दशा को पाकर दयालु ऐसे भगवान प्रभु ने विश्व के सभी जीवात्माओं को तारने का सामर्थ्य वाला धर्म शासन की स्थापना की। હવે આપણે અહીંથી બીટી પાટીલ હોલ તરફ જવાનું છે। આજે જે બહારગામથી પધારેલા દરેકનો અમારો સંઘ સ્વાગત કરે છે અને આ કાર્યક્રમ હવે અહીંથી ત્યાં જવા માટે ચાલુ થશે। इसी श्रृंखला में गुरुवर संघ कार्यक्रम स्थल की ओर पुनः प्रस्थान करते हैं। दर्शकों, देखते ही देखते ये विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पूज्य गुरु महाराज संघ को उच्चासन पर विराजमान कराने के उपरांत भक्त भक्ति भाते हुए नजर आए। ત્યારે સૂર્ય ને એમ લાગે કે હું પણ બાકી ના રહી જાઉં, મેઘ રાજા ને એમ થાય કે હું પણ બાકી ના રહી જાઉં, અને જાણે કે સંતા કુકડી રમતા રમતા બંને। और इसी के साथ एक बार पुनः कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। कार्यक्रम में आगे छोटे छोटे बच्चों द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए मधुर संगीतों की लहरियों पर भक्ति नृत्य करते हुए श्रद्धालु गुरुवर की भक्ति करते हैं। गुरुवर के प्रति आस्था और उल्लास का नजारा यहाँ देखते ही बन रहा था। आ सिवाय पाचे मासना आंबिल नो जे लाभ के पाचे मासना आंबिल जेमना तरफ थी थवाना छे महेंद्र भाई राजाराम रतनचंद प्रभावती बेन राजाराम रतनचंद शाह एमने आखा पाचे पांच महीना ना आंबिल नो लाभ लीधो छे। सभी पदाधिकारी गणों ने गुरुवर महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया। मंदिर अने भद्रंगसुरी दादा ना गुरु मंदिर नी धजानो लाभ पुण्यशाली झड़पथी समय नी मर्यादा छे एक एक मिनिट में आदेश आपीशु। दादा गुरुदेव ना गुरु मंदिर भद्रंगसुरेश्वरजी महाराज ना गुरु मंदिर नी ध्वजा लहेरावानो लाभ आज खास गुरुदेव ना प्रवेश निमित्त अहींया पधार्या छे तो परम पूज्य मुनिराज श्री कृपारत्न कृपा शेखर विजय जी महाराज साहेब। आज यहां पर 5 महीना कौन सा रात आने वाले हैं, मेघ बना रात आने वाले हैं। परमात्मा की वाणी वो मेघ बना रात है, संसार के सारे कार्य वो दीपक रात। मार मन दुर्बल धन लट कर दुर्बल धन लट कर दुर्बल धन लट कर दुर्बल धन लट कर दुर्बल धन लट कर। गुरु यानी क्या? मैं कहता हूँ लाइफ कोच यानी के गुरु। आज की दुनिया ये सिखा दी है कि संसाधन के पीछे कैसे दौड़ सकते हो। आज की दुनिया ये सिखा दी है कि संसाधन को कैसे प्राप्त कर सकते हो। आज की दुनिया ये सिखा दी है कि मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। आज की दुनिया ये सिखा दी है कि दुनिया को कब्जे में कैसे किया जाता है। मगर हमारे सदगुरु सिखाते हैं मन को कब्जे में कैसे किया जाता है। हमारे गुरु यानी कि मन को कब्जे करने वाले डॉक्टर हैं।
और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे माननीय श्रद्धालु पदाधिकारियों ने गुरुवर के प्रति अपने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त किया। त्या व्याख्यान कर्या अने व्याख्यान करता करता गुरुकुल नी वात निकली अने वात करता करता एक जुगराज जी जे अहीं आवेला छे आजे ए जुगराज जी ने वात करी के मारू सोलापुर अने बीजापुर नी वच्चे बराबर 45 किलोमीटर ना अंतरे 8 एकर जग्या पड़ी छे। गुरुदेव आप आ जग्या नो सदुपयोग करो। ले मारे वातो तमारी पासे जे करवी छे आज गुरु कृपा थी एनो क्रम पहला तो मैं आम विचार्यू क्यांथी शुरू करूँ केटली वार आम विचार करता करता एम थयुं हवे क्यांथी कारण के मैं अहीं आगळ बे त्रण वस्तु दर वक्ते जोउं छुं। सभी मांगलिक आयोजनों के उपरांत अब समय था महाराज श्री के मंगल उद्बोधन का, जिसकी प्रतीक्षा भक्तों को हर कार्यक्रम में रहती है। कैसे मंगल स्वरूप बन पाऊंगा? भगवान कहते कि अंदर की मलिनताएं मिटाई जाए, अंदर की मलिनताएं काम क्रोध लोभ अहंकार की वासना स्वार्थ की भावना अंदर की जो भी विकृतियां है उन विकृतियां को मिटाने से हमारी आत्मा स्वयं मंगल स्वरूप बनती है। परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप बन है। बहुत सारा दीप में विवेचन कर सकते हैं मगर समय की भी एक मर्यादा है कि भगवान मंगल स्वरूप कैसे बने। तो भगवान ने हम भी भगवान का शरण उनको नमस्कार उनकी उपासना क्यों करते हैं? भगवान को परम मंगल स्वरूप कैसे माना गया? या तो भगवान परम मंगल स्वरूप किस वजह से बन पाए? तो ज्ञानी भगवंतों ने लिखा कि भगवान ने जगत के जीव मात्र के साथ अपनपना का भाव रखा, भगवान ने जगत के जीव मात्र का भला चाहा, भगवान ने जगत के जीव मात्र के साथ अपनी आत्मा का संबंध को जोड़कर सभी को सुखी बनाने का भाव किया। इस वजह से भगवान परम मंगल स्वरूप बने हैं। अपन को भी मंगल स्वरूप बनना है तो जो हमारी स्वार्थ वृत्तियां है, जो हमारी संकुचित मनोवृत्तियां है हर क्रिया में और हर प्रक्रिया में, इसमें से मुझे क्या फायदा होगा, उतनी ही हमारी जो मलिन और संकुचित सोच है वो सोच में से हमें बाहर निकलना है और हमेशा दूसरे का भला हमें सोचना है। बार बार मंगल करने का प्रयोजन क्या? तो उसका सही कारण दिखाऊं। हम जो भी मंगल करते हैं ना वो हमारा किया हुआ मंगल जो है ना वो लंबा टिकता नहीं। हम जो भी मंगल करते हैं ना वो हमारा किया हुआ मंगल वो लंबे समय तक टिकता नहीं है, उसकी असर बार बार खत्म हो जाती है, इसलिए हमें बार बार मंगल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसका रास्ता क्या, उसके लिए क्या करना? तो बार बार वो मंगल की असर खत्म क्यों हो जाती है वो मुझे आपको दिखाना है कि जो भी चीज हम उछीनी लाते हैं ना, भाड़े से लाते हैं ना, वो लंबी नहीं टिकती हमारी। जो चीज हम उछीनी बाहर से लेके आते हैं ना, भाड़े से लेके आते हैं, वो लंबे समय तक हमारे पास टिकता नहीं है। जो हमारा खुद का निजी मालिकी का होता है ना वो ही लंबे समय तक हमारे पास टिकता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी मंगल कर रहे हैं ना वो आपका मंगल उछीना मंगल है, भाड़ूती मंगल है। किस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं कि अंदर से हमारी खुद की आत्मा मैली है, हमारी खुद की आत्मा मैली है, हमारी खुद की आत्मा विषय और कसाई के भावों से ग्रस्त है, हमारी चित्त वृत्तियां भौतिकता की आसक्ति में फंसी हुई है। यानी कि हमारा चित्त अंदर से जब तक मेला है ना, और हम जब अंदर से मेले हैं, तो भगवान ने वो सोचा कि जगत के जीवों को श्रेष्ठ क्वालिटी के आनंद के स्वामी बनाना है। आनंद का आज 3 प्रकार आपको सिखाना है, आप खुद भी जानते हैं मगर उस विषय में आपने कभी सोचा नहीं है। भगवान कहते हैं कि आनंद भी 3 कक्षा के होते हैं। एक है सात्विक आनंद, दूसरा है राजसिक आनंद और तीसरा है तामसी आनंद। आनंद की 3 भूमिकाएं हैं, एक है राजसी आनंद सात्विक आनंद, दूसरा है राजसी आनंद और तीसरा है तामसी आनंद। सात्विक आनंद किसको कहते हैं, राजसी आनंद किसको कहते हैं और तामसी आनंद। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने निजी अंतरंग पवित्रता में से पैदा हुआ होने वाला जो आनंद है इसको सात्विक आनंद माना है।
खुद की अंदर की पवित्रता की वजह से जो आनंद की अनुभूति होती है, इस आनंद को ज्ञानी भगवंतों ने सात्विक आनंद बताया। जिस व्यक्ति को निजी अंदर के गुण का वैभव उजागर नहीं होने की वजह से वो आनंद पाने का सामर्थ्य नहीं है और भौतिक पदार्थों का सहारा लेकर, भौतिक पदार्थों का भुगवटा करके उसमें से जो व्यक्ति आनंद पाता है ना, उसको राजसी आनंद। पांच इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो आनंद मिलता है उसको राजसी आनंद कहा जाता है। और जो व्यक्ति अन्याय करके, अनाचार करके, दुराचार करके, दूसरे को पीड़ा देकर, दूसरे का दुख में जो खुशी महसूस करता है, उन सभी को तामसी आनंद कहा जाता है। तो ये जो थोड़ा सा ही आपको अभी मार्गदर्शन समय के अनुसार दिया, उतना आप याद रखिए और उसमें आप प्रगति करो, वैसा मेरा आप सभी को अंतर से मंगल आशीर्वाद है। और आप सब पुण्यात्माएं बोल पाओ, सब बोल नहीं सकते, सभी को बोलने का मौका भी नहीं मिलता है, मगर आपकी आंखों में, आपकी श्रद्धा में पढ़ रहा हूँ, आपके अंदर में भी, भले आप नहीं बोल सकते मगर मैं जानता हूँ कि आप आज मंगल शुभ कामना लेके आते हो कि गुरु महाराज का चौमासा भी निर्विघ्न और कल्याणकारी बने और भगवान का मार्ग की आराधना और प्रभावना अच्छी हो। वो आप सभी की भावना को भी मैं हृदय से सादर उसका स्वीकार करता हूँ और हम सब साथ में मिलकर प्रभु का मार्ग की आराधना करते करते मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, वही अंतर से मंगल। दर्शकों, बड़े ही भक्ति व आनंद के साथ संपन्न हुआ आचार्य श्री महाराज का ये भव्य मंगल प्रवेश। भक्तों ने गुरुवर का आशीष प्राप्त करते हुए संपन्न किया। हमारे यहाँ चातुर्मास रहता है, चातुर्मास में महाराज साहब का प्रवेश रहता है और उस टाइम पे उनका व्याख्यान और बाकी के सब कार्यक्रम रहते हैं और स्वामी वात्सल्य भी रहता है। बाहर गाँव से लोग 300-400 आजू बाजू के लोग आते हैं। ये पूरा चौमासा हमारा धर्म क्रिया में जाता है। साधु महाराज आते हैं, यहाँ पे धर्म क्रिया करवाते हैं, तपश्चर्या होती है और उपदान तप भी रहता है। उपदान तप कम से कम 50 दिन का रहता है। हमारे यहाँ चातुर्मास के लिए आचार्य भगवान श्री नरत्न सूर्य जी महाराज साहेब का आज आगमन हुआ है। चातुर्मास के लिए इधर 4 महीने के लिए आए हैं, इधर रुक जाएंगे हमारे इधर और लोगों को व्याख्यान प्रवचन वो दे देंगे और अपना अपना मन का शुद्धि, आत्मा का शुद्धि के लिए वो प्रवचन दे देंगे। अभी ये 4 महीने चातुर्मास में यहाँ रहेंगे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।